हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे अपनी टाटा टियागो की एसी की परफॉर्मेंस का। तो ये मेरे पास अभी टाटा टियागो XZ प्लस है, XZ प्लस मैनुअल ट्रांसमिशन। तो इसमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आता है। तो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के क्या फंक्शंस होते हैं, कैसे काम करता है, वो सब कुछ मैं आज कवर करूँगा। आपको पूरा उसका एक रिव्यू भी दिखाऊँगा और सारे फंक्शंस भी आपको दिखाऊंगा कैसे काम करता है ये, और इसकी परफॉर्मेंस कैसी है वो सब भी आपको बताऊंगा। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आप लोगों में से कई लोगों की क्वेरी मुझे आ रही थी कि यार इसका एसी ठीक से कूलिंग करता है कि नहीं करता है, बैक सीट पे इसका कैसा परफॉर्मेंस है, पूरी गाड़ी कितनी देर में कूल हो जाती है, या फिर अभी हॉट समर, वो हॉट ही चल रहा है अभी जून चल रहा है ये, तो जून की गर्मी कैसी झेल रही है टियागो, कैसी परफॉर्म कर रही है इसकी एसी। तो काफ़ी क्वेरीज आप सबकी थी, तो आज आप सबके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। तो अभी मैं गाड़ी को ऑन कर लेता हूँ। ये अपनी गाड़ी की है, ये ऐसे फोल्डेबल की आती है इसमें। एक बार मैं गाड़ी का इग्निशन ऑन करता हूँ, या अपनी गाड़ी हो गई है ऑन। तो भाई लोग, इसमें एसी के ये चार वेंट्स मिल जाते हैं टोटल आगे। एक आपका ए वाला, दूसरा ये आपका है तीसरा वेंट, और इधर आपका है चौथा वेंट। तो चार वेंट हैं, इनको आप ऐसे ऊपर नीचे करके सेट कर सकते हो। अपना थ्रो इधर करना है, थोड़ा इसको लेफ्ट राइट भी कर सकते हो, है ना, थोड़ा ऐसे। तो इसका सेटिंग का है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं। इसके अलावा यहाँ पे आगे इसमें डिफॉगर दिया हुआ है, और बैक साइड में भी इसमें डिफॉगर आता है XZ प्लस में। तो आगे पीछे दोनों साइड आपको इसमें डिफॉगर भी मिल जाता है। तो अगर एसी के कंट्रोल्स की बात करें तो आपका ए, इसका दो मेन कंट्रोल आपका है, और यहाँ पे अपने कुछ बटन्स बनी हुई हैं। तो चूँकि ए ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, तो इसका जो भी आप यहाँ पे सेटिंग करोगे उसका डिस्प्ले यहाँ पे आता है इस जगह पे, और यहाँ से भी अपनी एसी कंट्रोल कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, अभी स्टेप बाय स्टेप आपको बता। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है एसी और यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफ़, तो दोनों में फ़र्क है। अगर आप यहाँ से इस बटन को ऑन और ऑफ़ करते हो तो आपकी जो एसी है वो ऑन और ऑफ़ होती है। जैसे अगर मैं इसको अभी देखिए, ऊपर आप देखिए, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा मैं कैमरा पीछे कर लेता हूँ। मैं इस बटन को अभी प्रेस कर रहा हूँ, एसी ऑफ। यहाँ पे आपने देखा क्या लिख किया है, एसी ऑफ। दोबारा प्रेस किया, एसी ऑन। तो इस बटन से आपने एसी को ऑन और ऑफ, ऑन और ऑफ कर सकते हैं। तो एसी ऑन ऑफ जब आप करेंगे तो आपका बेसिकली जो एयर कंडीशन सिस्टम है गाड़ी का वो ऑफ हो जाएगा, बट जो थ्रो है हवा का वो आता रहेगा। तो इसको ऑन ऑफ करने पे सिर्फ आपका क्या होगा कि एसी जो बंद होगी वो बंद हो जाएगी, और लेकिन आपका ब्लोअर चालू रहेगा, ब्लोअर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और दूसरा यहाँ पे एक देखिए बटन है ये, तो एक्चुअली आपका पूरा क्लाइमेट कंट्रोल ऑफ कर देता है। अब आप यहाँ पे देखिए, मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ अभी, क्लाइमेट ऑफ, राइट। यहाँ पे एसी ऑन है, जैसे इसको मैं प्रेस कर रहा हूँ, क्लाइमेट ऑफ। तभी क्या हो गया, आपका पूरा जो इसका सिस्टम का क्लाइमेट कंट्रोल ऑफ हो गया। तो अभी इसमें क्या हुआ, आपका एसी बंद हो गया प्लस ब्लोअर ही बंद हो गया। तो फ़र्क क्या है, अगर यहाँ से आप ऑफ करेंगे तो आपका सिर्फ एसी बंद होगा, ब्लोअर आपका चालू रहेगा, लेकिन अगर यहाँ से ए वाली जो बटन है राइट साइड वाली, यहाँ से अगर ऑफ करते हैं तो आपका एसी और क्लाइमेट कंट्रोल, यानी कि आपका पूरा जो फैन होता है इसका, एसी का ब्लोअर होता है, वो सब बंद हो जाएगा, पूरा एकदम ऑफ हो जाएगा। तो दिस इज़ द डिफरेंस। उसके अलावा यहाँ पे देखिए क्या है, ऑटो। अब चलिए मैं एसी एक बार ऑन कर देता हूँ। ओके, एसी भी ऑन हो गया, यहाँ पे देखिए एसी ऑन हो गया अपना। अब इसमें देखिए क्या है, इसका ऑटो का मतलब आप समझिए क्या है। ऑटो से क्या होता है कि आपका जो ब्लोअर का स्पीड है वो ऑटोमेटिकली कम ज़्यादा होता रहेगा। जैसे मान लीजिए अगर आपने टेम्परेचर अपना सेट किया, या आपका टेम्परेचर भी यहीं से सेट हो जाता है। मान लीजिए अभी टेम्परेचर देखिए गाड़ी में सेट है 25.5, जो कम करके मैं लाता हूँ 25 पे। अब 25 पे लाने के बाद अगर आप यहाँ से अपना एसी का जो ऑटो वाला सेक्शन है इसको ऑन कर देते हैं, तो अपने आप फैन की स्पीड को ये ऑटोमेटिकली कंट्रोल करेगा।
मान लीजिए अभी आप गाड़ी में बैठे हो और आपकी गाड़ी के अंदर का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, मान लीजिए 30 है, 33 है, तो फ़ैन की स्पीड जब आप इसको ऑटो ऑन कर दोगे तो स्टार्टिंग में फ़ैन की स्पीड काफ़ी ज़्यादा रहेगी, मे बी ये 4 पे चलेगा, लेकिन जैसे जैसे आपकी गाड़ी का टेम्परेचर कम होता जाएगा, जैसे 33 से आपका मान लो 33 से कम होकर 30 आ गया, 28 आ गया, तो अपने आप ब्लोअर की स्पीड फिर 4 से 3 पे आ जाएगी, 3 से 2 पे आ जाएगी, तो आपको ब्लोअर ऑटो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगा, आपको इसको मैनुअली कम ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है तो बेसिक चीज़ है कि आप इसको एसी को अपना यहाँ से ऑन करो, इसको ऑटो पे छोड़ दो, ऑटो पे छोड़ दोगे तो अपने आप इसका ब्लोअर का जो स्पीड है वो कम ज़्यादा होता रहेगा एज पर द नीड, आपको उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया, ये आपका हो गया ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, इसको अगर आप ऑन कर दोगे टेम्परेचर सेट करके तो आपका ब्लोअर अपने आप स्पीड को कम ज़्यादा करता रहेगा टू मेंटेन दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर। दूसरा, जैसे आपने 25 पे अगर सेट किया है तो 25 पे जैसे टेम्परेचर पहुंचेगा अपने आप आपकी एसी बंद हो जाएगी, तो दो काम करते हैं, एक तो फ़ैन की स्पीड कम ज़्यादा करेगा अपने हिसाब से, दूसरा वो टेम्परेचर मेंटेन करेगा। 25 डिग्री आपने सेट किया है तो 25 डिग्री तक एसी ऑन रहेगी, जैसे आपका टेम्परेचर 25 से नीचे आएगा एसी बंद हो जाएगी, फिर से आपका टेम्परेचर 25 अप जाएगा तो एसी चालू हो जाएगी। तो इसका एक काम है इस वाले का ऑटो का, इसे हमेशा आप इनेबल रखिएगा। इसको आप डिसेबल भी कर सकते हो, मान लीजिए अभी 25 पे टेम्परेचर है राइट, अभी ऑटो पे चल रही है, अभी वाला जो है इसको मैं यहाँ से फ़ैन की स्पीड मैंने बढ़ा दी, 5 कर दी, 6 कर दी राइट, 7 कर दी, अगर मैंने इसके फ़ैन की स्पीड को मैनुअली कम ज़्यादा कर दिया तो अपने आप ही डिसेबल हो जाएगा फ़ैन की स्पीड, फिर वो जिस पे आप सेट करोगे वही रहेगा, इट्स बेटर ऑटो पे करके छोड़ दो। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो बेसिकली ये आपका हो गया ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ये हो गया आपका क्लाइमेट कंट्रोल ऑन ऑफ करने की बटन, ये हो गया आपका एसी ऑन और ऑफ करने की बटन। अब इसमें ये देखिए, इसमें ऊपर ऐसे एक नॉब लगी है जो रोटेट होती है, जिससे आप टेम्परेचर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको लेफ्ट साइड में घुमाएंगे तो आपका टेम्परेचर कम होगा, राइट साइड में घुमाएंगे टेम्परेचर ज़्यादा होगा। यहाँ पे देखिए ऊपर 27, 28, इसके नीचे जाएंगे 25, 26, 24, 23 राइट। तो यहाँ से आप कम ज़्यादा करके जो भी टेम्परेचर सेट करना चाहते हैं यहाँ से आप सेट कर सकते हैं, यहाँ से आप मैनुअली फ़ैन को कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ऑटो पे तो अपने आप रेगुलेट करेगा ही, बट आपको लग रहा है कि आपको ज़्यादा फ़ैन की स्पीड चाहिए कम चाहिए, तो यहाँ से आप फ़ैन की स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये दोनों नॉब का यही काम है, फ़ैन की स्पीड को कम ज़्यादा करने के लिए और ये वाली जो है वो टेम्परेचर को सेट करने के लिए कम या ज़्यादा। उसके बाद नीचे भी आप थोड़ा समझ लो, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ये जो आप ही देखिए ये नीचे ये जो दो बटन्स बनी हुई हैं, ये एक्चुअली आपका डिफोगर की बटन्स हैं, आगे और पीछे की डिफोगर की बटन्स हैं। ये आपका जो है एयर सर्कुलेशन का बटन है, अगर आप इसको अभी ऑफ है, अभी इसको ऑन कर देंगे तो इंटरनल एयर को ये रिसर्कुलेट करता रहेगा, कूलिंग अच्छी होगी। अगर आप इसको ऑफ कर देंगे तो बाहर की एयर को अंदर लाएगा ये, तो उससे आपकी कूलिंग कम हो जाएगी गाड़ी में। तो इसको सजेस्टेड ये होता है कि आप इसको ऑन रखें। ये वाली जो बटन है ये एक्चुअली एयर का थ्रो किधर होना है उसके लिए बटन होती है, यहाँ से आप इसको क्लिक करके अपना एयर का थ्रो किधर करना है वो आप देख सकते हैं। इसे यहाँ से देखिए, मैं एयर का थ्रो चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए चेंज हो रहा है, इस जगह पे देखिएगा, मैं इसको जैसे जैसे प्रेस कर रहा हूँ अभी आपको दिख नहीं रहा होगा ठीक से, ये देखिए जैसे प्रेस कर रहा हूँ यहाँ पे एयर का थ्रो चेंज हो रहा है, अभी पैर पे जा रही है, अभी ब्लोअर जाएगा नीचे, ये आपके सीधे सामने की तरफ हवा देगी, ये आपके सामने देगी, नीचे की तरफ हवा देगी, नीचे देगी। इस तरीके से आप यहाँ से जितनी बार आप इसको प्रेस करते जाएंगे मोड चेंज होता जाएगा, फिर आपको जो मोड रखना हो वो आप रख सकते हैं। तो ये वाला जो मोड है, ये वाला सामने वाला नीचे वाला, ये ज़्यादा अच्छा होता है, इसमें पूरी गाड़ी आपकी कूल हो जाती है जल्दी, मैं यही मोड ज़्यादा यूज करता हूँ। तो आप चाहें तो अपने हिसाब से कोई मोड सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरा फेवरेट मोड यही है। तो अभी तक आपने देख लिया कि नीचे यहाँ से जो आपके हार्ड कीज़ हैं ये आपका यहाँ से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं एसी। अब यहाँ से आपका जो टच स्क्रीन सिस्टम है यहाँ से भी एसी कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ अगर कॉर्नर पे आप क्लिक करें पूरा इसका पैनल खुल जाता है, इधर से मैं थोड़ा अगर आपको दिखाऊँ, अब यहाँ से आप इसमें एसी को ऑन ऑफ़ कर सकते हैं, ये देखिए एसी ऑफ हो गई, यहाँ से एसी को आप ऑन कर सकते हैं, यहाँ से आपको कौन सा सेलेक्ट करना है अपना, है ना, थ्रो किधर रखना है एयर का, आप एयर का थ्रो यहाँ से अपने आप चूज कर सकते हैं राइट।
उसके बाद यहाँ पे ऑटो, ऑटो ऑन हो गया। उसके बाद यहाँ से ऑटो को ऑन और ऑफ़ कर सकते हैं आप। यहाँ पे आपका सर्कुलेशन किधर रखना है गाड़ी का वो आप कर सकते हैं। यहाँ से आप फ़ैन की स्पीड ज़्यादा कम कर सकते हैं। यहाँ से आप टेम्परेचर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो जो कंट्रोल आप यहाँ नीचे से कर सकते थे, यहाँ से वही कंट्रोल आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया लग गया होगा कि इसका कंट्रोल कैसे होता है। टाटा टियागो की एक्सेल प्लस का जो वेरिएंट है, तो इसमें जो क्लाइमेट कंट्रोल आता है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एयर कंडीशनर का, इसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो आई होप आपको थोड़ा आइडिया मिल गया होगा। अगर आपको अब भी कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दे दूँगा। अब दूसरा इसका बात करते हैं कि इसका इफ़ेक्टिवनेस कैसा है, कैसे काम करती है। तो फ्रेंड्स, जहाँ तक इसके इफ़ेक्टिवनेस की बात है, तो एक सिंगल वर्ड बोलूँ, ज़बरदस्त, बहुत बढ़िया इसकी एसी है। एक नंबर कूलिंग करती है। कितना भी गर्मी पड़ रही हो, एक बार आप गाड़ी में बैठिए तो विंडो डाउन कर दीजिए, थोड़ा गर्म हवा बाहर निकल जाए, तो मुश्किल से 2 मिनट में आपका पूरा केबिन ठंडा कर देती है। दिस इज़ द गुड पार्ट। आपको ब्लोअर की स्पीड कोई ज़्यादा नहीं करनी है। अगर आपके पास मैनुअल आपका कंट्रोल मैनुअल एसी है, ऑटोमेटिक नहीं है, तो उसमें आप ब्लोअर की स्पीड जब शुरू में आप गाड़ी में बैठें तो थोड़ा आप 3 या 4 पे रखें, और जैसे जैसे लाइक 2-4-10 मिनट के बाद उसका स्पीड धीरे धीरे कम करते जाएं, और लास्ट में आप 2 नंबर पे सेट कर दीजिए। एकदम बढ़िया आपकी एसी कूलिंग देगी, आपको कोई इशू नहीं आएगा। अब जहाँ तक बात है हवा की थ्रो की, तो उसका भाई ब्लोअर बहुत फास्ट है, और वैसे भी एसी में हवा लेने के लिए नहीं एसी होती है, बेसिकली ठंडा करने के लिए होती है। बट इसका ब्लोअर की स्पीड भी बहुत तेज़ है, काफ़ी अच्छा थ्रो है, लेकिन थ्रो की कोई इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो ब्लोअर 2 नंबर पर आप रखिए, सफिशियंट आपके लिए रहेगा। बाकी हाँ, ब्लोअर का कुछ लोग कहते हैं इसका आवाज़ काफ़ी ज़्यादा है, तो यस, अगर आप इसका 7 नंबर पे चलाएंगे तो ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आएगी, लेकिन 7 नंबर पे चलाता कौन है, वही मैं बोल रहा हूँ ना, 2 नंबर पे इसका ब्लोअर आप रखिए, मस्त कूलिंग करेगी। शुरुआत में आपको शायद 3 या 4 पे रखना पड़ेगा, बाद में 2 नंबर विल बी सफिशियंट। और ब्लोअर का अगर पूरा ऐसा थ्रो की बात करें कि मुंह पे आती है कि नहीं हवा आती है, तो हाँ, हर जगह बराबर हवा जाती है, और इसके जो आप उसका डायरेक्शन सेट करते हैं एसी की हवा का, तो वो भी प्रॉपर काम कर रहा है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिधर आप सेट करते हैं उधर ही हवा जाती है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एसी ऑन करने के बाद मैंने आपको पहले ही बताया कि आप 2 से 3 मिनट में आप रिलैक्स हो जाएंगे गाड़ी के अंदर, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बाहर कितनी भी गर्मी हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ता। एसी इसकी बहुत अच्छी है। अगर आपके मन में इसको एसी के लिए कोई भी डाउट है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, आपको एसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, कोई भी नहीं, बी श्योर। तो आई होप टाटा टियागो को एसी लेकर के आपके मन में जो भी डाउट था काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।